अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड बीटीसी तृतीय सेमेस्टर। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। तो दोस्तों जितने भी पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सबको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो सीरीज का आप पार्ट टू देख रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने पार्ट वन हमारी बहुविकल्पी की ना देखे तो उसको देख लीजिएगा। पार्ट थ्री में दोस्तों हम लघु उत्तरी क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है, एक भी प्रश्न को आपको स्किप या छोड़ना नहीं है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए तो दोस्तों चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आपके अति लघु उत्तरी प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि मापन क्या है। तो मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंकों, माध्यांक तथा माध्यमान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि मापन के सारे यंत्र तथा संसाधन इस संसार से लुप्त कर दिए जाए तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। यह कथन दोस्तों किसका है। तो दोस्तों यह कथन आपके रास का है, तो इनका नाम याद रखना है, रास आपके एक वैज्ञानिक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मापन में यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी है जबकि मूल्यांकन में यह पता चलता है कि वस्तु कितनी अच्छी है। यह कथन दोस्तों किसका है। तो यह कथन आपका दोस्तों रेमर्स एवं गेज का है, इसको ध्यान में रखना है। तो मापन का प्रमुख तत्व क्या है, वह वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया जिसकी किसी विशेषता का मापन होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं का मापन, उसके व्यक्तित्व एवं रुचियों का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है, यह बताना है। तो दोस्तों ये आपका मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है ना। मूल्यांकन मापन के दोस्तों कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों मापन सामान्यतः तीन प्रकार का होता है, निरपेक्ष मापन, सामान्यीकृत मापन और स्पेक्टिव मापन। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फॉर्मेटिव संरचनात्मक मूल्यांकन क्या है, ये बताना है। तो फॉर्मेटिव संरचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या रहा, समेटिव मूल्यांकन आकलित मूल्यांकन क्या है, ये बताना है। तो समेटिव मूल्यांकन आकलित मूल्यांकन आपका योगात्मक मूल्यांकन भी कहलाता है। इसके द्वारा छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष तथा क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शैक्षिक मापन के कितने स्तर हैं। तो शैक्षिक मापन के दोस्तों आपके मुख्य चार स्तर होते हैं, शाब्दिक स्तर, क्रमित स्तर, अंतराल स्तर और अनुपात स्तर। मूल्यांकन का क्या अर्थ है ये बताना है दोस्तों। तो मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है, यह संपूर्ण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण तथ्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है यह बताना है। तो नवीन धारणा के अनुसार इस प्रक्रिया के तीन बिंदु है, शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। अगला क्वेश्चन क्या रहा, मूल्यांकन के क्षेत्र में छात्र के व्यक्तित्व के कौन कौन से अंग आते हैं। तो दोस्तों ज्ञान, कुशलताएं, रुचियां, योग्यताएं, बुद्धि। मूल्यांकन के कितने सोपान है दोस्तों। तो मूल्यांकन के आपके तीन सोपान है। मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता किस कारण होती है। देखिए मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए होती है। तो मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ बताना है। तो दोस्तों मूल्यांकन दो शब्दों के मेल से बना है, मूल्यांकन बराबर मूल्य प्लस अंकन, एवलुएशन बराबर होता है वैल्यू प्लस असाइनिंग नंबर्स। मूल्यांकन की परिभाषा आपको देनी है। तो दोस्तों इसके लिए परिभाषा देखते हैं, मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज तथा दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। तो दोस्तों ये कितने का है, इसको रेमर्स एंड गेज ने। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया किस प्रकार की है। तो दोस्तों डॉक्टर पटेल के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधि के उद्देश्य के अनुरूप में कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके चार वर्गों में। मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष क्या है, तो स्वभाविकरण करना। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यालय, कक्षा और स्वयं छात्रों द्वारा निर्धारित किए गए शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में छात्र की प्रगति की जांच करना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, मापन तथा मूल्यांकन में मुख्य अंतर क्या है। देखिए मापन एक सामान्य शब्द है जबकि मूल्यांकन एक तकनीकी शब्द है। परीक्षण का क्षेत्र कैसा होता है। तो दोस्तों इसका अंतर होगा संकुचित। ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है कहलाता है विश्वसनीयता, ठीक है ना। परीक्षण क्या है, परीक्षण वह वस्तुनिष्ठ एवं मानकीकृत साधन है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों संबंधी योग्यताओं का मात्रात्मक एवं गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है, सतत मूल्यांकन क्या है। देखिए सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके अंतर्गत छात्रों के शैक्षिक कौशलों की जांच प्रतिमाह या तिथिवार की जाती है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया भी है। अगला क्वेश्चन, निरंतर मूल्यांकन योजना किसे कहते हैं, सतत मूल्यांकन को। तो व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है यह बता रहा है। देखिए बालक के अधिगम को किसी न किसी रूप में
प्रभावित करने वाले स्थूल सूक्ष्म में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ज्ञात अज्ञात अनेकों पक्ष हैं जिनका मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्यापक मूल्यांकन के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसके मुख्य आपके तीन पक्ष हैं, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक और कौशलनात्मक पक्ष। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, सतत मूल्यांकन की विधियां कौन सी है? तो दोस्तों इसकी तीन विधियां, एक सत्र परीक्षा, मासिक परीक्षा और सेमेस्टर पद्धति। मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? तो दोस्तों मूल्यांकन के आपके निम्नलिखित पक्ष हैं, पहला क्या है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक पक्ष। ब्लूम ने मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष में क्रियाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो दोस्तों ब्लूम ने मूल्यांकन को 6 वर्गों में विभाजित किया है। फिर अगला प्रश्न क्या है, बोध क्या है? बोध किसी वस्तु के भाव को ग्रहण करने की योग्यता है। लिखित परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों देखिए, बच्चों को वर्डों के ठीक ठीक बनावट लिखना सिखाना। लिखित अभिव्यक्ति की कोई एक उपयोगिता बतानी। दोस्तों देखिए, बालक पठित अंश या विषय वस्तु को भली प्रकार से समझ लेता है। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन क्या क्या है? तो दोस्तों आपका कहानी, कथन, भाषण, कविता, पाठ, विचार विमर्श आदि। फिर अगला क्वेश्चन है, साक्षात्कार क्या है? देखिए, साक्षात्कार अनुसंधान की कोई प्रणाली नहीं अपितु आंकड़े प्राप्त करने के एक प्रभावशाली साधन है। फिर दोस्तों साक्षात्कार प्रक्रिया का एक दोष बताना है। देखिए, इससे आंकड़े एकत्रित करने में अपेक्षाकृत समय अधिक लगता है, अतः यह विधि व्यावहारिक नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक अच्छे परीक्षण का मुख्य गुण क्या होता है? देखिए, अच्छे परीक्षण सप्रयोजन एवं उद्देश्यपूर्ण होते हैं। किसी भी अच्छे परीक्षण को किन कसौटियों में मापा जाता है? दोस्तों तो इसको दो प्रकार की कसौटियों में मापा जाता है। पहला दोस्तों उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक कसौटियां, दूसरा उत्तम परीक्षण की तकनीकी कसौटियां। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा, उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक कसौटियां कौन कौन सी है? देखिए, एक तो हो गया उद्देश्य पूर्णता, व्यापकता, समय एवं कीमत, सुगमता। फिर उत्तम परीक्षण की तकनीकी कसौटियां कौन कौन सी? दोस्तों तो एक तो होगा वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, विभेदन शक्ति और मानक। अगला प्रश्न क्या रहा, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की कोई एक विशेषता आपको बतानी है। तो इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर निश्चित एवं संक्षिप्त होते हैं, ठीक है ना, संक्षिप्त होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का कोई एक दोष बताना है। तो इसमें नकल करने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। निबंधात्मक परीक्षण का कोई एक दोष बताइए। तो दोस्तों जो निबंधात्मक परीक्षण का एक मुख्य दोष विश्वसनीयता में कमी होना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निबंधात्मक परीक्षण का एक गुण बताना है। देखिए, इसमें भाव प्रकाशन की स्वतंत्रता होती है। अब दोस्तों ब्लूप्रिंट क्या है, ये क्वेश्चन देखिए 2018 फर्स्ट और सेकंड में भी आया है। तो पाठ्य सामग्री पर अंकों का विभाजन, प्राप्त उद्देश्यों पर बल का निर्धारण, प्रश्नों की रचना संबंधी बिंदुओं पर तैयार की गई सारणियों के आधार पर प्रश्न रचना हेतु एक अलग सारणी तैयार की जाती है। इसमें दोस्तों प्राय उद्देश्य, पाठ्य सामग्री, प्रश्नों के प्रकार एवं उनकी संख्या आदि का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसे दोस्तों हम ब्लू प्रिंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष कौन कौन से होते हैं? तो आपका एक हो गया ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और कौशल। निदानात्मक परीक्षण क्या, ये बताना है। देखिए, निदानात्मक परीक्षण एक ऐसा शैक्षिक उपादान है जिसके आधार पर पठित विषय वस्तु की सूक्ष्म इकाई में बालक की विशिष्टता एवं कमियां परिलक्षित होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, निदानात्मक परीक्षण की विशेषता आपको बतानी है। यह परीक्षण मानवीकृत, ठीक है ना, मानकीकृत एवं अमानकीकृत दोनों प्रकार के होते हैं। उपलब्धि परीक्षण क्या है, इसको देखना है। दोस्तों देखिए, उपलब्धि परीक्षण द्वारा किसी विषय या कई विषयों में छात्र की सामान्य योग्यता का ज्ञान प्राप्त होता है। उत्तम परीक्षण की कोई दो विशेषता बतानी, तो वैधता हो गया, विश्वसनीयता। शोध कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों ये आपके तीन प्रकार के होते हैं, क्रियात्मक, व्यवहारिक और मूलभूत शोध। क्रियात्मक शोध से आप क्या समझते हैं ये बताना है। देखिए, क्रियात्मक शोध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। अगला प्रश्न की परिकल्पना क्या है? तो समस्या समाधान का पूर्ण अनुमान करना ही परिकल्पना कहलाता है। परिकल्पना को दोस्तों क्रियात्मक परिकल्पना भी माना जाता है। फिर हमारा अगला प्रश्न कि क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होगा? तो देखिए, क्रियात्मक शोध का मूल आधार है समस्या हमारी, तो समाधान भी हमारा ही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शून्य परिकल्पना से आप क्या समझते हैं? तो शून्य परिकल्पना निर्देश रहित परिकल्पना में ही आती है। इसके अंतर्गत शोध करने वाले को किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होता। सकारात्मक परिकल्पना से आप क्या समझते हैं? इसमें परिकल्पना का कथन सकारात्मक होता है। फिर नकारात्मक परिकल्पना क्या है? इसमें परिकल्पना का दोस्तों जो कथन होता है वो नकारात्मक होता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान के कोई दो उद्देश्य लिखना है। तो व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना पहला, दूसरा परिवर्तनों के विरोध की शक्ति कम कर देना। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान के कोई दो लाभ बताइए। तो स्थानीय तत्कालिक समस्याओं का तुरंत अध्ययन होता है, समस्या के मूल्यांकन में सहायक है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा में क्रियात्मक
अनुसंधान का महत्व क्यों है ये बताइए। तो क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों एवं निरीक्षकों आदि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। फिर हमारा अगला प्रश्न, क्या अच्छा प्रश्न पत्र बनाने की प्रमुख विधियों कौन कौन थी ये बताने, विधियां कौन थी। नमूना तैयार करना दोस्तों, ब्लूप्रिंट बनाना, प्रश्न बनाना, प्रश्नों के क्रम से प्रश्न पत्र का विश्लेषण भी करना होता है। अगला क्वेश्चन, व्यवहारिकता से क्या आता है ये बताइए। देखिए व्यवहारिकता से आता यह है कि परीक्षा का प्रयोग सरलता से किया जा सके तथा परीक्षा का मूल्यांकन भी सरलता से हो सके। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्रियात्मक परिकल्पना क्या है। तो क्रियात्मक परिकल्पना क्रियात्मक शोध का एक मुख्य चरण होता है। निर्देशित परिकल्पना क्या ये बताना है। देखिए जब शोधकर्ता को परिकल्पना द्वारा उचित दिशा प्राप्त होती है तो उसे निर्देशित परिकल्पना कहते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न कि निर्देशित परिकल्पना कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों ये आपकी दो प्रकार की, सकारात्मक और नकारात्मक होती है। क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं दोस्तों, तो ये बताना, तो इसके आपके 6 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों प्रश्न आपके 4 प्रकार के होते हैं, वस्तुनिष्ठ, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ प्रश्न। तो आपके पेपर में दोस्तों कौन कौन से आते हैं, पहला वाला आता है वस्तुनिष्ठ, अति लघु उत्तरी आता है और लघु उत्तरी प्रश्न आता है, ठीक है ना। तो दोस्तों दीर्घ प्रश्न फिलहाल आपके पेपर में नहीं आते। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि विश्वसनीयता से आपका क्या आता है ये बताना है। देखिए विश्वसनीयता से तात्पर्य ऐसे परीक्षण से जिसमें बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम प्राप्त होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे नहीं होता कि बार बार अगर आप कुछ यूज करें तो वही आंसर है, तो मतलब समझ जाएंगे हाँ यार ये तो हम सही कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन में संबंध को स्पष्ट करें। तो शिक्षण के द्वारा अधिगम, सीखने सिखाने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। जबकि अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तब अधिगम स्तर की जांच अर्थात मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंधित है। मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए दोस्तों। देखिए अब ये सब क्वेश्चन आपके डीएलएड में आ चुके हैं, अब उन प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। डीएलएड 2016 से शुरू हो रहे हैं, ठीक है ना, 18 में भी आया। तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है। तो मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो बालक की शैक्षिक योग्यता को प्रतिशत मात्रा अंकों में प्रदर्शित करता है। फिर परीक्षण से आप क्या समझते हैं यह बताना है। तो किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने की प्रक्रिया ही परीक्षण है। मूल्यांकन के 2 प्रमुख पक्षों का उल्लेख करना दोस्तों, तो ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्ष। व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है दोस्तों। तो बालक के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के मूल्यांकन के लिए ही व्यापक मूल्यांकन की आवश्यक है, ठीक है ना। मूल्यांकन के 2 प्रमुख प्रकार बताना है। तो दोस्तों एक हो जाएगा रचनात्मक तथा योगात्मक। अच्छे परीक्षण में यथार्थता वैधता का क्या अभिप्राय ये बताना है। देखिए अच्छे परीक्षण में वैधता से अभिप्राय है कि परीक्षण कितनी सत्यता से किसी का मापन करता है जिस मापन के उद्देश्य के लिए उसे तैयार किया गया है। फिर हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो प्रश्न करने का उद्देश्य यह है कि बालक के ज्ञान के स्तर का पता चलता है, कि बालक परिस्थिति अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीखता है। फिर अच्छे प्रश्नों की 2 प्रमुख विशेषता आपको बतानी है। प्रश्न स्पष्ट भाषा में होना चाहिए, प्रश्न ना तो ज्यादा सरल ना ही अधिक कठिन होने चाहिए, प्रश्न स्तर के आधार पर ही होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, स्तर क्या है, मतलब आप कक्षा 2 के छात्र से आप कक्षा 3 वाला क्वेश्चन पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएगा, सिंपल सी बात है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के 2 प्रमुख प्रकार बताने हैं। तो दोस्तों आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। क्रियात्मक शोध को परिभाषित करना है। तो कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध ही आपका क्रियात्मक शोध है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या विशेषता या आवश्यकता होती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी सभी समस्या का समाधान खोजना ही क्रियात्मक शोध से ही संभव होता है। क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरणों का उल्लेख करना है। तो दोस्तों पहला साक्षात्कार, प्रश्नोत्तर द्वारा, अवलोकन द्वारा। क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ है। परिकल्पना से तात्पर्य उन क्रिया विधियों से है जिनके द्वारा समस्याओं को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय ये बताना है। तो नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों में नवीनता का संचार करे। फिर दोस्तों मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट करना है आपको। तो मूल्यांकन का लक्ष्य पृष्ठ पोषण, अभिप्रेरणा, अधिगम में वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, वर्गीकरण, चयन, निर्देशन में सहायता देना आदि है। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष को बताना है। तो मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से आशय, विद्यार्थी के भावों, रुचियों, दृष्टिकोणों, मूल्यों, मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों आदि का मूल्यांकन करना है। फिर अगला प्रश्न दोस्तों, मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान, सहगामी पक्ष से आपका क्या तात्पर्य है। तो
तो मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष के पश्चात भावात्मक तथा कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष आता है, जिसे संज्ञान सहगामी पक्ष भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन को स्पष्ट करना है। तो युग्म मूल्यांकन, छात्र छात्राएं परस्पर एक दूसरे को सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, सतत मूल्यांकन कहाँ से बताना है। तो सतत मूल्यांकन से आते उस मूल्यांकन से है जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलता रहता है, जिससे विद्यार्थी के अनुभव और व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन होता रहे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य बताना है। तो व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों के सभी पक्षों, संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक, ठीक है ना, का मूल्यांकन करना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बच्चों के शैक्षिक अभिवृद्धि से आपका क्या आशय है। तो बच्चों की अभिवृद्धि का अर्थ बालक में डील डॉल तथा भार में वृद्धि है। इसमें मांसपेशियों तथा शरीर की संरचना में ही नहीं होती, वरन यह आंतरिक अंगों और मस्तिष्क में भी होती है। बालक के मस्तिष्क में जैसे जैसे अभिवृद्धि हो जाती है, उसके सीखने, स्मरण रखने और तर्क करने की क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। तर्क करने की क्षमता आना बालक के मस्तिष्क की अभिवृद्धि का ही परिणाम होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आपका क्या आशय होता है। देखिए, जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आते हैं दी सूचनाओं, दो या दो से अधिक में एक ही सूची, आधार सूची के एकांश को दूसरी सूची, प्रतिक्रिया सूची जिसमें एक या अधिक सूचियां हो सकती हैं, के एकांशों से मिलाना या जोड़ा बनवाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्रियात्मक शोध का उद्देश्य बताना है। तो क्रियात्मक शोध का उद्देश्य शिक्षा जगत के द्वारा ना जगत के लोगों के द्वारा विद्यालय की सामान्य परिस्थितियों में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए शिक्षा जगत की समस्याओं का समाधान करना है। क्रियात्मक सोच से आपका क्या तात्पर्य ये बता रहा है। तो क्रियात्मक सोच से तात्पर्य उस व्यवहारिक सोच से है जिससे विद्यालय से संबंधित लोगों का अनुभव, ठीक है ना, लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैधानिक ढंग से हल करने का प्रयास स्वयं उनके द्वारा किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, न्यादर्श से आप क्या समझते हैं। देखिए, न्यादर्श से आते किसी जनसंख्या से चुने गए उस छोटे समूह से हैं जिसका चयन इस प्रकार किया जाता है कि वे संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत अवलोकन का क्या तात्पर्य ये बताना है। तो क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन से तात्पर्य उस शोध में ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य या व्यवहार को देखना या अवलोकित करना है, जिससे उसके वांछित कार्य व्यवहार के विषय में निर्णय लिया जा सके। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत प्रदत्त विश्लेषण कहाँ से बताना है। तो क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त उपकरण के माध्यम से एकत्रित प्रदत्तों का निष्कर्ष प्राप्त करने की दृष्टि से सांख्यिकी आदि का प्रयोग के द्वारा विश्लेषण करना प्रदत्त विश्लेषण आपका कहलाता है। अगला क्वेश्चन, शून्य परिकल्पना का अर्थ बताना है। तो शून्य परिकल्पना एक प्रकार से नकारात्मक परिकल्पना होती है, जिससे यह मानकर चलते हैं कि दो चरों में कोई संबंध नहीं है अथवा दो समूहों में किसी विशेष चर के आधार पर कोई अंतर नहीं होता है। तो फिर अगला क्वेश्चन, क्रियात्मक शोध की दो विशेषता बताना है। देखिए, इसकी विशेषता देखते हैं। पहला, शोध की समस्या अनुभव जन्य होती है। दूसरा, यह शोध संस्था के सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रित परिस्थिति को उत्पन्न किए संपन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नवाचार से आप क्या समझते हैं। नवाचार किसी नवीन कार्य को करना अथवा किसी कार्य को नए ढंग से करना है। आज शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को महत्व दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण बताना है। अवलोकन एवं साक्षात्कार क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्रियात्मक शोध को स्पष्ट करिए। तो क्रियात्मक शोध शोध का एक व्यवहारिक रूप है, जिसमें विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से हल करने का प्रयास खुद उनके द्वारा किया जाता है। फिर दोस्तों बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे प्रश्नों की विशेषता बतानी है। क्या होते हैं भाई अच्छे क्वेश्चन, क्या होते हैं अच्छे प्रश्नों की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। प्रश्न की शब्दावली संक्षिप्त हो, उसकी भाषा पुस्तक की भाषा से अलग होनी चाहिए, वह विचारोत्तेजक हो, प्रश्न की दुविधा न उत्पन्न करें, प्रश्न विद्यार्थी के मानसिक विकास के अनुरूप होने चाहिए, उनमें क्रमबद्धता हो इत्यादि, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं। कक्षा में प्रश्न विद्यार्थी के विषय में रुचि जागृत करने, विषय के ज्ञान व समझ की परीक्षा लेने, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबंध करने, ठीक है, पाठ की पुनरावृत्ति करने, नए ज्ञान का अभ्यास करने, मानसिक शक्तियों का विकास करने आदि के लिए किए जाते हैं। फिर दोस्तों बात करेंगे, परिकल्पना से आपका क्या है ये बताना है। तो क्रियात्मक शोध की विशिष्टता, ठीक है ना, विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना होती है। फिर मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार आपको बताने हैं।
तो मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार निम्न हुआ थे, मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, साक्षात्कार, निरीक्षण, अवलोकन, प्रायोगिक, रचनात्मक और आंकलित। ठीक है ना, रचनात्मक आंकलित। व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता बताइए। विद्यार्थी के केवल मानसिक विकास का मूल्यांकन करके उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन, ठीक है ना, करने की दृष्टि से व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। फिर अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, मूल्यांकन के दो प्रमुख पक्षों का उल्लेख करना है। तो दो इसके प्रमुख पक्ष दोस्तों, एक तो आपका संज्ञानात्मक हो गया, ज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक और व्यवहारात्मक पक्ष है। प्रश्नों के प्रमुख प्रकार बताना दोस्तों। तो प्रश्नों के प्रमुख प्रकार निम्न है, स्मृति प्रश्न, विचारोत्तेजक प्रश्न, शिक्षण प्रश्न, परीक्षण प्रश्न, समस्या प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न और बोध प्रश्न इत्यादि। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या आपका, परीक्षण में वैधता से क्या अभिप्राय, ये बता रहे थे कि परीक्षण में वैधता से आते उस कार्य कुशलता से है जिससे कि वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है, यह बताना है। तो विद्यालय में विभिन्न समस्याओं के त्वरित समाधान उसके सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा करने के लिए क्रियात्मक शोध की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय, ये बताइए। देखिए मूल्यांकन से आशय मूल्य के अंकन से, शिक्षा में मूल्यांकन से आशय विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षण के उद्देश्यों की सीमा ज्ञात करने की प्रक्रिया से लिया जाता है। शैक्षिक मापन किसे कहते हैं, तो शैक्षिक मापन एक ऐसी वर्णनात्मक प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी के साथ ही शिक्षा एवं उसकी व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के किन्हीं गुणों अथवा विशेषताओं का शैक्षिक उद्देश्य से क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, परीक्षण का अर्थ आपको बता रहे हैं। देखिए परीक्षण मापन हेतु प्रयोग किया जाने वाला एक ऐसा उपकरण है जिसकी वैधता, विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता को उसके प्रयोग किए जाने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि क्रियात्मक शोध का मूल तंत्र क्या है। तो क्रियात्मक शोध के अंतर्गत समस्या का तत्कालिक समाधान किया जाता है, इस कारण से इसकी व्यवहारिकता अधिक होती है। फिर मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन से दोस्तों, तो इसके मुख्य अंग देखते हैं, शिक्षण उद्देश्य, अधिगम क्रिया, व्यवहार परिवर्तन आदि। फिर क्रियात्मक शोध के चरण क्या है दोस्तों, इसको देखना है हम लोग को। तो क्रियात्मक शोध के निम्नलिखित चरण है, समस्या का चयन, समस्या को परिभाषित करना, समस्या सीमांकन, समस्या के संभावित चरणों कारणों का पता लगाना तथा कारणों का विश्लेषण, क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण, अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास, विश्लेषण और निष्कर्ष, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू की गई। तो दोस्तों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या सीबीएसई द्वारा क्रियान्वयन आरंभ किया गया। फिर दोस्तों निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार बताइए। तो दोस्तों जो निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार हैं, वर्णनात्मक निबंध होता है, विचारात्मक निबंध होता है, भावात्मक निबंध हो गया, साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन उत्तम परीक्षण की विशेषता आपको बतानी है। तो इसकी निम्नलिखित विशेषता है दोस्तों, अच्छे परीक्षण सप्रयोजन एवं उद्देश्यपूर्ण होते हैं, अच्छे परीक्षण मानव व्यवहार को वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता के साथ मापन करते हैं, अच्छे परीक्षण का प्रशासन सरल होता है, अच्छे परीक्षण फलांकन की दृष्टि से सुगम होते हैं। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा, अच्छे परीक्षण विश्वसनीय होते हैं, अच्छे परीक्षण में वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता का गुण पाया जाता है। फिर मापन के प्रकार बता रहे हैं दोस्तों, देखिए शाब्दिक या नामित मापन, क्रमिक मापन, अंतरित मापन और अनुपातित मापन। क्रियात्मक शोध की समयावधि क्या होती है दोस्तों, तो बीटीसी के लिए आपका 1 महीना, क्रियात्मक शोध की समयावधि, या दोस्तों जिसका नाम अब डीएलएड हो चुका है, ठीक है ना, तो आप लोग डीएलएड ही कर रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्वसनीयता किसे कहते हैं। देखिए विश्वसनीयता, अच्छा परीक्षण विश्वसनीय होना चाहिए, अर्थात जिस पर विश्वास किया जा सके। विश्वसनीयता से तात्पर्य ऐसी परीक्षा से जिसको बार बार प्रसारित करने पर समान निष्कर्ष प्राप्त हो, अर्थात यदि किसी परीक्षण के परिणाम पुनः परीक्षण के पश्चात समान परिस्थितियों में एक समान बने रहते हैं तो उस परीक्षा को दोस्तों विश्वसनीय कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा, निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों का किया जाता है। तो निदानात्मक परीक्षण, निदान शब्द शिक्षा में चिकित्सा छात्र से आया है जिसका अर्थ मूल कारण को जानना या रोग का निर्णय करना है। जिस प्रकार चिकित्सक किसी रोग के लक्षणों एवं विभिन्न परीक्षण टेस्ट के आधार पर उसके रोग का निदान करता है, उसी प्रकार शिक्षक भी छात्र के पिछड़ेपन, विषय संबंधी कमजोरियों, सीखने संबंधी कठिनाइयों एवं दोषों का पता निदानात्मक परीक्षण द्वारा लगाकर समस्याओं को दूर करता है। तो दोस्तों कार्टर गुड ने क्या कहा इसको देखते हैं। निदान का अर्थ होता है सीखने संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप को निर्धारित करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य आपको बताना है। डीएलएड 2018 का प्रश्न है।
तो इसके उद्देश्य देखते हैं। छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करना होता है, छात्रों की योग्यताओं में वृद्धि करना, छात्रों के मानसिक तनाव के कारण शिक्षण कार्य में होने वाले अवरोध को दूर भी करना होता है, और छात्रों में आत्मविश्वास की भावना को जागृत करना। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, तो इसको देखते हैं। चलिए, प्राथमिक स्तर पर छात्र छात्राओं की अधिगम प्रक्रिया का निर्माण सतत रूप से होता रहता है, इसके लिए दक्षता आधारित मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। इसके अनुसार छात्रों द्वारा सीखे गए रचनात्मक कौशलों का आकलन होता है। दक्षता आधारित मूल्यांकन से तात्पर्य कि छात्रों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम जांच विश्लेषण करना, जिससे छात्रों की दक्षता ग्राहकता को सुनिश्चित किया जा सके। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा दोस्तों, शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन से हैं? तो दोस्तों आपका ज्ञान, अवबोध, अनुपयोग, विश्लेषण और संश्लेषण। फिर दोस्तों अगला प्रश्न, मूल्यांकन को परिभाषित करिए। तो एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी को ध्यान रखना, शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। फिर अगला प्रश्न दोस्तों, शैक्षिक मूल्यांकन के कोई दो उद्देश्य बताइए। देखिए, पहला उद्देश्य आपका चयन एवं वर्गीकरण में सहायक पूर्व कथन, दूसरा उद्देश्य तीसरा आपका तुलना, चौथा परामर्श एवं निर्देश, पांचवा निदान, छठा अन्वेषण एवं शोध कार्य। फिर अगला प्रश्न दोस्तों, कौशलात्मक पक्ष का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है, इसको बताना है। तो पहला हो गया उत्तेजना का उद्दीपक, दूसरा गत्यात्मक क्रिया या कार्यवाही, तीसरा दोस्तों आपका नियंत्रण, चौथा सामंजस्य, पांचवा स्वाभाविकरण। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, शैक्षिक अनुसंधान में मूल्यांकन की क्या उपयोगिता है, ये बताना है। तो मूल्यांकन की उपयोगिता अग्र प्रकार है। पहला दोस्तों पॉइंट हो जाएगा आपका सीखने की प्रेरणा, पाठ्यक्रम में परिवर्तन, शिक्षण में उन्नति, परीक्षण प्रणाली में सुधार, विद्यालयों में सुधार। फिर दोस्तों बात करेंगे अवलोकन मूल्यांकन, अवलोकन का मूल्यांकन में क्या महत्व है। तो क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन से तात्पर्य उस शोध में ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य या व्यवहार को देखने या अवलोकित करना, जिससे उसके कार्य व्यवहार के विषय में निर्णय लिया जा सके। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि नवाचार की दृष्टि से प्रार्थना स्थल की किन्हीं दो गतिविधियों का आपको उल्लेख करना है। तो पहला हो जाएगा बच्चों का साफ सफाई की जांच तथा स्वस्थ आदतों के विकास हेतु प्रेरणा प्रदान करना दोस्तों। दूसरा पॉइंट, किसी महापुरुष द्वारा धर्म ग्रंथ में वर्णित सद्वाक्य का वाचन तथा उसका अनुसरण करने की प्रेरणा देना। अगला प्रश्न क्या रहा, रचनात्मक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, ये बताइए। तो रचनात्मक मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है जिससे कि किसी निर्माणाधीन शैक्षिक कार्यक्रम शिक्षण प्रविधि को अंतिम रूप देने से पूर्व उसमें आवश्यक संशोधन या परिमार्जन किया जा सके। अगला क्वेश्चन क्या रहा, क्रियात्मक अनुसंधान में न्यादर्श का क्या अर्थ होता है। तो न्यादर्श से आते किसी जनसंख्या से चुने गए उस छोटे समूह से है जिनका चयन इस प्रकार किया गया है कि वे संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हों। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्रियात्मक शोध के दो उपकरणों का उल्लेख करना है। तो क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त होने वाले उपकरण निम्न हो सकते हैं, प्रोफार्मा, प्रश्नावली, मानक या शिक्षण निर्मित, परीक्षण, साक्षात्कार, कथन, प्रश्नोत्तर, अवलोकन, निरीक्षण आदि। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो अगर आपने दोस्तों अभी तक हमारा इस वीडियो सीरीज का पार्ट 1 और पार्ट 3 नहीं देखा है, तो दोस्तों इस वीडियो को जैसे आप समाप्त हो चुकी है तो तुरंत आप पार्ट 1 और पार्ट 3 कोई भी आप एक वीडियो देखिए। पार्ट 1 में आपके बहुविकल्पी प्रश्न है, पार्ट 3 में आपके लघुत्तरी प्रश्न है। तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल पर आपने नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करते रहिए। चलिए फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड और ऑल द बेस्ट आपको पेपर के लिए।